युवाओं को कौशल युक्त बनाने और उन्हें रोजगार और उद्यमिता के अवसर प्रदान करने की भी आवश्यकता है। आज का युवा रोजगार प्रदाता और उद्यमी बनने के अवसर भी तलाशता है। इसी उद्देश्य के लिए हाल में युवा अधिकारिता और उद्यमिता विभाग का गठन किया गया है। वर्ष 2023-24 में 2 लाख युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए 250 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान करता हूं। यदि जरूरत पड़ी तो इस प्रस्तावित राशि के अतिरिक्त अलग से बजट प्रावधान किया जाएगा। युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने तथा अपेक्षित कौशल, व्यक्तित्व और संचार कौशल के साथ युवाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए इंक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। बैंकों, वित्तीय संस्थानों और उद्यम पूंजी निधियों से ऋण की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। मैं बैंकों और वित्तीय संस्थानों के सहयोग से वेंचर कैपिटल फंड स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। वेंचर कैपिटल फंड युवाओं को 5 करोड़ रुपए तक की लागत की परियोजनाओं में उद्यमी बनने में सहायता करेगा। इस उद्देश्य के लिए वेंचर कैपिटल फंड के लिए 200 करोड़ रुपए का कोष बनाया जाएगा। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय युवाओं के साथ जोड़कर उन्हें कौशल के साथ सशक्त बनाने के लिए एक पायलट स्कीम के रूप में मुख्यमंत्री कौशल मित्र फेलोशिप योजना तैयार करेगा। हर वर्ष लगभग 5,000 युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स और प्रोग्रामिंग तथा विद्युत वाहन निर्माण के क्षेत्र में नौकरियों के लिए प्रशिक्षण देने के लिए आईटी कंपनियों के सहयोग से श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में भर्ती आईटी के लिए कौशल केंद्र स्थापित किया जाएगा। हरियाणा कृषि उद्योग निगम द्वारा प्रदान की गई उत्पाद और रसद सहायता के साथ राज्य में हरित स्टोर खोलना युवाओं के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। इस उद्यम की सफलता को देखते हुए 23-24 के में अतिरिक्त 1500 नए हरित खोलने का लक्ष्य निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूँ। सरकार ने कौशल शिक्षा को स्कूल शिक्षा में समेकित कर शैक्षणिक स्तर पर 2023-24 से कक्षा 6 से 8 तक में भी कौशल शिक्षा देने की योजना बनाई है। हरियाणा ओवर सेल प्लेसमेंट सेल विदेशों में प्लेसमेंट की आवश्यकताओं और कौशल की जरूरतों की पहचान करेगा और विदेशों में इन नौकरियों के लिए हरियाणा के युवाओं को उपयुक्त रूप में प्रशिक्षित करेगा। सरकार का युवाओं जो विदेश में नौकरी के अवसर की तलाश में है को जर्मन, जापानी और इतालवी जैसी भाषाओं में अल्पावधि विदेशी भाषा प्रशिक्षण प्रदान करने का इरादा है। HKRN प्राइवेट सेक्टर में जनशक्ति की नियुक्ति के लिए जनशक्ति की पहचान, कौशल प्रशिक्षण और नियुक्ति सेवाओं की पेशकश करेगा। इससे राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ना सुनिश्चित होगा और निजी उद्योग के लिए जनशक्ति चयन और कौशल प्रशिक्षण भारत लागत में कमी आएगी। ITI में छात्रों के प्रवेश में सुधार के लिए सरकार ने सरकारी ITI में प्रवेश लेने वाली 3 लाख रुपए वार्षिक से कम पारिवारिक आय वाली प्रत्येक लड़की को 2500 रुपए वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया। मैं बताना चाहूंगा कि सरकार ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए CET के माध्यम सहित वर्ष 2023-24 में 65,000 से अधिक नियमित पदों पर भर्ती करेंगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए युवा क्षेत्र को 1,636 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ।